हेलो दोस्तों, क्या आपके घर में भी इस तरह के बेकार ढक्कन पड़े हैं? तो इन्हें फेंकिएगा मत, इनसे अपने गार्डन के लिए एक काम की चीज़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई एक टूल, और टूल की मदद से इन चार तीनों ढक्कन में चार चार होल बना लेते हैं। होल थोड़ा बड़े बनाते हैं जिससे रस्सी आसानी से निकल जाए। और जब तक दोस्तों इन ढक्कन में चार चार होल तैयार होते हैं, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीनों ढक्कन में चार चार होल बना लेने के बाद अब इनसे निकालते हैं रस्सी। तो इस तरह से रस्सी निकाल लेने के बाद अब इक्वल साइज पर इसमें नॉट लगा देते हैं। और अब बारी आती है दूसरे ढक्कन से रस्सी निकालने की। इसी तरह से दूसरे ढक्कन से भी रस्सी निकाल लेते हैं और इसको नॉट तक खींच देते हैं। अब जब इसमें चारों होल से रस्सी निकल गई है, तो फिर से इक्वल साइज पे नॉट लगा देते हैं, क्योंकि अभी इसमें तीसरा ढक्कन भी फंसाना है। इक्वल साइज पे फिर से नॉट लगा देने के बाद अब तीसरा ढक्कन भी फंसाते हैं। तीसरे ढक्कन से भी रस्सी निकाल लेते हैं। इस तरह से आपको जितना लंबा बनाना हो, उतने ढक्कन यूज करके आप लंबा बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ तीन ढक्कन लिए हैं। फिर इस तरह से चारों रस्सियों को एक साथ ऐड कर देते हैं और इसे कहीं पर हैंग कर देते हैं। और इसमें रखते हैं अपने प्लांटर। या तो आप पहले प्लांटर रख दीजिए, बाद में हैंग कर दीजिए, या पहले इसको हैंग कर दीजिए और बाद में प्लांटर रख दीजिए। इस तरह से मैंने पहले प्लांटर रख दिया और इसको हैंग कर दिया। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। आप इस DIY को ज़रूर बनाएं और गार्डन में हैंग